राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश राममय होगा। अवध से लेकर काशी तक इसको लेकर तैयारियां अभी से जारी है। हर मंदिर दीप उत्सव और हर घर दिवाली को लेकर स्वयं सेवक संघ तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर बकायदा राम भक्तों की टोली लोगों को अयोध्या के लिए आमंत्रित करने के साथ ही दीप उत्सव के बारे में जानकारी भी दे रही है। उस दिन दिवाली जैसा उत्सव मनाने के लिए अपील भी की जा रही है। अक्षत कलश यात्रा के जरिए शहर के अलग अलग इलाकों में स्वयंसेवक इसको लेकर बकायदा अभियान चला रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ता चंद्रकांति ने बताया कि 22 जनवरी को काशी के सभी मंदिरों को राम मंदिर मानकर वहां दिन में रामचरितमानस का पाठ और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके अलावा शाम होने के साथ मंदिर में दीप उत्सव भी होगा। जिस दिन प्रभु का ये अनुष्ठान हो, हर घर में दीप मालिका हो, मोहल्ले में कोई भी मंदिर हो वह आलोकित हो, और जो समय जो हमारे काशी के लक्ष्मीकांत जी आचार्य और द्रविड़ाचार्य जी आचार्य ने जो मुहूर्त निकाला है, उस मुहूर्त में जब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, परम पूज्य सर संघ चालक जी भी उस पर भाग लेंगे, ये सब जब भाग लें और यह धार्मिक कृत जब होता रहे तो सारे मंदिरों में कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं भगवान राम का भजन, कुछ न कुछ होता रहे। मंदिर किसी का भी हो, अगर किसी को लगता है कि नहीं उस पर दूसरा कोई भजन हो तो हमारे सनातनी हिंदू परंपरा का कोई भी भजन वहाँ पर होता रहे। मेरे घर के पास, मेरे मोहल्ले में जो भी मंदिर रहेगा उस मंदिर को हम अयोध्या का श्री राम मंदिर मान करके वहीं पे एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस समय हम सभी अपने घर के बगल के मंदिर को राम मंदिर मान करके उसी स्थान पर राम जी का एक उत्सव मनाएंगे और दीपक जलाएंगे और भजन गाएंगे। जो भी उत्साह पूर्वक अपने घर में जितने भी लोग हैं वो उस समय टीवी पर अपने घर में राम का जन्मोत्सव नहीं देखेंगे, अपने मंदिर के अपने घर के बगल में जो मंदिर है उस मंदिर में टीवी लगवा के सार्वजनिक रूप से राम जी का उत्सव मनाएंगे।